हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब इस चैप्टर में बचा हुआ चैप्टर नंबर 8 साइकोलॉजिकल एंड स्पोर्ट फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th का जो है, तो इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्सप्लेन मैं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा इसको बेस्ट तरीके से समझा पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यह है, आवर बॉडी इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम। तो इसमें ज़्यादातर टॉपिक वाइज नहीं पढ़ना है, तो मैं इतना बता दूं कि इंट्रोडक्शन में है कि हमारे बॉडी को एकदम प्रॉपर फंक्शन में काम करने के लिए उसको सॉरी हाँ वर्क करने के लिए एक प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए। वेरियस सिस्टम जो हमारे यहाँ वो एकदम अच्छे से काम करने चाहिए। जितने भी सिस्टम हैं तो हमारे जो बॉडी है अच्छे से काम कर पाएगा, जो बॉडी के फंक्शंस हैं। तो जो ये साइकोलॉजिकल क्या होता है, साइकोलॉजिकल क्या होता है जो देखिए साइकोलॉजिकल डील विथ द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम एंड देयर इफेक्ट थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज। द साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम इम्प्रूव एंड दिस बॉडी इफिशेंसी इंक्रीज ए लॉट। तो साइकोलॉजिकल ये है कि हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम्स काम करते हैं उनके बारे में हम जो जानते हैं, जो पढ़ते हैं, उसको साइकोलॉजिकल बोल सकते हैं। तो बस अब इतना देखिए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स सिस्टम इज कॉन्सिस्ट एज साइकोलॉजिकल। मतलब हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं उनके बारे में जानना, पढ़ना साइंटिफिक वे में, उसको हम साइकोलॉजिकल कह सकते हैं। तब इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि हमारे बॉडी में कितने फंक्शंस हैं, वो कैसे काम करते हैं, यही है। तो फर्स्ट इसमें है जेंडर डिफरेंस इन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल पैरामीटर। अगर फिजिकल और साइकोलॉजिकल बॉडी के पार्ट सिस्टम से इन दोनों के पैरामीटर से देखा जाए तो जेंडर डिफरेंस क्या आते हैं। तो फर्स्ट ये है, द जेंडर डिफरेंस इन ह्यूमन साइकोलॉजिकल आर डिस्टिंक्ट। सम आर डायरेक्ट एंड विजुअल, देयर अदर्स आर इनडायरेक्ट एंड नॉन विजुअल। इसका क्या मतलब है? तो जो जेंडर डिफरेंस होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे गर्ल्स और बॉयज़ में जो डिफरेंस होते हैं साइकोलॉजिकली, वो कुछ तो दिखते हैं लेकिन कुछ नहीं दिखते हैं। जैसे साइकोलॉजिकली बोल तो कुछ हम बॉयज़ में हमारे हाइट में, लड़कियों के हाइट में डिफरेंस होता है, हमारे बॉडी शेप में उनके बॉडी शेप, उनका बॉडी अलग तरीके से शेप रहता है, हमारे बॉडी का अलग से होता है। तो कुछ चीज़ें तो डायरेक्ट दिखती हैं साइकोलॉजिकल चीज़, आप कुछ अंदर का चीज़ें फिर फंक्शन अलग काम करते हैं, तो कुछ बाहरी चीज़ दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं। तो जो नहीं दिखती हैं वो आपका साइकोलॉजिकल अंदर का चीज़ें हो गया, अंदर का फंक्शनिंग हो गया। उसके बारे में वेट तो हमें दिखता ही है। तो मेल्स हैव मोर वेट एज कम्पेयर टू फीमेल्स ऑफ सेम हाइट। अगर कोई मेल है फीमेल अगर सेम हाइट की हैं तब भी उनके वेट में बहुत डिफरेंस आएगा। हम लोग का वेट, मेन्स का वेट ज़्यादा रहेगा कम्पेयर टू फीमेल्स, लड़कियों का वेट कम रहता है अगर सेम हाइट की हैं तब भी। हाइट एंड वेस्ट, हाइट और वेस्ट जो होता है, हाइट हम लोग का हाइट कंपेयर मेल का हाइट ज़्यादा वो टॉलर होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं, और लड़कियां लगभग एवरेज हम लोग से कम होती हैं, छोटी ही होती हैं, ये एवरेज है। और मस्कुलर स्ट्रेंथ, मसल्स में जो स्ट्रेंथ होते हैं, तो मस्कुलर स्ट्रेंथ में होता है कि लड़कियाँ फीमेल्स हैव लेस मस्कुलर मास एज कम्पेयर टू मेल्स। तो लड़कियों को मस्कुलर मास कम होती हैं, तो मास कम होती हैं तो स्ट्रेंथ ताकत भी कम होती हैं, तो ये है। और मेल्स में और लड़कों में बहुत ज़्यादा मसल्स होती हैं तो उनमें ताकत भी बहुत ज़्यादा होती होंगी, होती हैं। इंडोरेंस, मेल्स हैव लार्ज लंग वॉल्यूम। तो हमारे जो मेल्स होते हैं उनमें जो लंग्स, जो सांस लेने का जो लंग्स कैपेसिटी है, वॉल्यूम है, वो बहुत ज़्यादा होता है उसका कैपेसिटी बहुत। तो हम बहुत सारे ऑक्सीजन को एक साथ इंटेक कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो हमारी कैपेसिटी जो होती है ऑक्सीजन लेने की, कैरिंग करने की, वो ज़्यादा होती है। जब ऑक्सीजन लेने की, कैरिंग करने की ज़्यादा होगी तो हमारी जो इंडोरेंस कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। इंडोरेंस अगर कुछ लोग नहीं जानते हों तो भाई, इंडोरेंस ये है कि हम किसी भी काम को बिना थके कितने लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, कुछ लोग उसी काम को बहुत लॉन्ग टर्म तक कर पाते हैं। तो बिना किसी चीज़ को, बिना कोई चीज़ थके, हाँ सॉरी, बिना थके किसी भी वर्क को लॉन्ग टर्म तक करना हम इंडोरेंस कह सकते हैं। तो ये स्केलेटल डिफरेंस, अगर स्केलेटल जो हड्डी होता है ना कंकाल, अगर उसको हम लोग लड़की का और लड़के का देखा जाए तो उसमें बनावट, उसका हड्डियों का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंस होता है। ब्लड कंपोनेंट, तो ये तो इंटरनल चीज़ हो गया फिजिक्स में, ब्लड कंपोनेंट अगर उनका चेक किया जाए तो उसमें भी उनका कुछ अलग मिलेगा, हम लोग का कुछ अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स मिलेंगे ब्लड्स में, मिनरल्स अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। स्किन, ये बाहरी चीज़ दिख सकता है। मेल्स हैव हार्ड, सो ये उसको मैं अब पढ़ना क्या है मैं बता रहा हूँ। स्किन, लड़कियों का स्किन बेसिकली बहुत सॉफ्ट होता है, सेंसिटिव होता है।
और लड़कों का बहुत हार्ड होता है, रफ होता है स्किन के मामले में, सेंसिटिविटी, लड़कियां बहुत सेंसिटिविटी होती हैं और किसी भी चीज़ को बहुत इजीली किसी भी चीज़ को सेंस कर सकती हैं, पहचान सकती हैं। अगर ये चीज़ अगर ये बात अगर है, अगर लड़का है लड़की है, उन दोनों को अगर कोई चीज़ है उसको अगर टेस्ट कराना है, तो अगर हम दोनों को टेस्ट कराएं तो बहुत अच्छे से उसका चीज़ रिपोर्ट देने वाले कि हाँ ये अच्छा चीज़ है, मतलब कोई खाना ही है तो दोनों को टेस्ट कराया जाए कि ये आप कैसे बताइए कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, तो शायद वो लड़की ज़्यादा अच्छे से उसको बता पाएगी कि इसमें क्या कम है, नमक कम है या क्या कम है। तो ये लड़कियां ज़्यादा सेंसिटिविटी होती हैं, वो सेंस कर सकती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड, फीमेल आर मोर फ्लेक्सिबिलिटी, लड़कियां बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती हैं लेकिन स्पीड के मामले में लड़के ज़्यादा होते हैं। तो बस ये सब बहुत टाइप के ये सेक्सुअल डिमोर्फेशंस इसमें भी बहुत सारे हैं। तो हमारे जो पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनिक पार्ट्स, वो तो बहुत डिफरेंस करते हैं, तो इस चीज़ के बारे में तो ये चीज़ें हैं। तो ये है जेंडर, हाँ जेंडर डिफरेंस इन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिजिकल जो बाहर से हमें देख सकते हैं नॉर्मल, जैसे हाथ का, पैर का हुआ, स्पीड का हुआ, सेंसिटिविटी का हुआ, स्किन का हुआ, तो ये साइकोलॉजिकल पैरामीटर में इंटरली फंक्शंस काम करते हैं, जैसे ब्लड कंपोनेंट, स्केलेटर्स जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनके बनावट, सेंसिटिविटी, सब ये सब साइकोलॉजिकल है, जो इंटरनल हमारे बॉडी सिस्टम का पार्ट है उसके बारे में जानना। तो ये हमारा पहला ख़त्म हो। देन अभी नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग इंडोरेंस, तो हमारे फंक्शन में कैसे काम करता है, इंडोरेंस का क्या काम है हम, और इंडोरेंस को हम अगर बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें इस टॉपिक में ये है। तो जैसे मैंने बताया था, तो इसमें इंडोरेंस द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फिजिकल फिटनेस का, अगर ये ना हो तो शायद कोई फिजिकल फिटनेस इजीली पॉसिबल ना हो पाए। जैसे कि मैंने फिजिकल फिटनेस इंडोरेंस के बारे में बताया था कि एक एबिलिटी होता है जो हमें कोई भी काम लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक करने के लिए हमें हेल्प करता है। अगर हम कोई भी काम करें तो जल्दी थके ना, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकें, लॉन्ग टाइम तक कर सकें किसी भी काम को बिना थके, वो इंडोरेंस होता है। तो हम कैसे इसको इंडोरेंस को बढ़ा सकते हैं, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीजन अपडेट, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन अपडेट रिफर टू हाई रेट इट विच ऑक्सीजन कैन बी टेक अप कॉन्शियस बाई बॉडी ड्यूरिंग इंटेंसिव एक्सरसाइज। तो ये मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक ये है कि हम जब भी कोई काम करते हो या कोई भी इंटेंसिव एक्सरसाइज, मतलब ज़्यादा उसमें एनर्जी खर्च होती है वैसे एक्सरसाइज, जैसे रनिंग, दौड़ दौड़ना और भी कोई ऐसा काम करें, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑक्सीजन अंदर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे बॉडी तक, हमारे सॉरी हमारे ब्लड तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेंगी, तो हमारे इंडोरेंस, हमें काम करने की पॉसिबिलिटी और देर तक बढ़ती जाएगी, हम और देर तक काम कर पाएंगे। पल्मोनरी डिफ्यूजन, ये पल्मोनरी डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड द ब्लड। ये लंग्स जो हमारे ऑक्सीजन है हमारे लंग्स तक आते हैं, फिर लंग के थ्रू हमारे ब्लड तक जाते हैं, फिर और जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग के थ्रू बाहर आते हैं। तो इन दोनों का, ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, इन दोनों का एक्सचेंज होता है पल्मोनरी डिफ्यूजन कहता है। तो ये अगर प्रॉपर होता है तो भी हमारे इंड्योरेंस को थोड़ा इंप्रूव होता है, इंप्रूव मिलता है। कार्डिक आउटपुट इज द एबिलिटी टू हॉट ऑफ पम्प आउट ब्लड इन 1 सेकेंड। ये एक एबिलिटी होता है कि हमारा हार्ट, हमारा दिल 1 मिनट में कितनी बार ब्लड पंप करता है, जो है ना 1 मिनट में कितनी बार हमारा ब्लड, सॉरी हमारा हार्ट कितना बार ब्लड पंप करता है उसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। तो हमारा कार्डिक आउटपुट प्रॉपर वर्क कर रहा है, हमारे कार्डिक आउटपुट के टिश्यू अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हमें इंड्योरेंस ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि तो हमें ब्लड हमारे शरीर में ज़्यादा दौड़ेंगी। तो इसमें बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ है, तो हम सबको तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो कुछ कुछ टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, और बाकी सब अब बस याद रखिएगा, बस ऐसे ही है। जैसे तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है रेट मसल फाइबर, तो ये रेट मसल फाइबर एक होता है जो हमें हेल्प करता है, हाई हाई रेट जो मसल फाइबर होता है हमें हमारे इंड्योरेंस को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे ऑक्सीजन है ना, हम जो ऑक्सीजन इंटेक करते हैं उसमें ये बहुत हेल्पफुल करते हैं। अगर हमारे रेट मसल्स फाइबर अगर जब हम तो ये नेक्स्ट है, तो यानी रेट मसल फाइबर जो है ना हमारे हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम रेट मसल सेल्स करते हैं। तो ऐसे हो सकता है, ये है इसका टॉपिक बस। अभी नेक्स्ट है
साइकोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। तो अब स्ट्रेंथ ताकत को बढ़ाने के लिए, ताकत को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या है मसल्स कवरिंग। तो मसल्स कवरिंग, हमारे शरीर पे ज़्यादा ज़्यादा मसल्स कवरिंग हो जाएंगे तो हमारे शरीर में ऐसे ही ताकत बढ़ जाएगी, मसल्स ज़्यादा रहेंगे तो ये हो जाता है। तो और फिर वाइट मसल फाइबर, तो ये वाइट मसल फाइबर अगर हमारे शरीर में हो तो भी, तो क्यों, वाइट मसल फाइबर हैव सम मोर कनेक्टिव टिश्यू एंड दे ब्रिंग फास्ट एंड स्ट्रांग कंट्रैक्शन। तो वाइट मसल फाइबर्स का काम ही होता है, ये हमारे जो मसल्स होते हैं, वह हमारे टिश्यू होते हैं, उन दोनों के बीच में जो जॉइंट रखता है, हमारे हर एक टिश्यू के बीच में जो जॉइंट रखता है, उसके वजह से हमारे जो हमारा ताकत है वो बढ़ता है, हमारी स्पीड बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है, ये होता है। मस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन, तो ये इसमें है कि ये भी इसमें दिया हुआ कि मस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन, तो इसमें ये है जो हमारे मसल्स होते हैं एक प्रॉपर मैनर में काम करते हैं, कि उन्हें कितना एंगल झुकना है, कितना एंगल ऊपर जाना है, वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं। और ये मसल लेंथ, हमारे मसल लेंथ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, मसल लेंथ इंक्रीज करते हैं, मतलब मांस बढ़ जाते हैं, तो इसी वजह से हमारा ताकत बढ़ जाता है। तो बस ये सब थे। अभी ये है साइकोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड। अब इसके बारे में, स्पीड एबिलिटी टू डू वर्क फास्ट इट वर्क इट फास्टर रेट। तो स्पीड तो आप जानते हैं कि एबिलिटी है जिससे हम अपने काम को बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा फास्ट ट्विक, इसमें क्या है, फाइजिकल फैक्टर क्या है, डिटरमाइनिंग स्पीड। स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या क्या फैक्टर काम करते हैं, स्पीड तो हमारी बढ़ जाती है। फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर, तो इसमें ये है तो इसमें हमें अगर कोई भी एक्शन लेना है तो द फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर जो होते हैं हमारे, अगर शरीर में ज़्यादा मात्रा में, अगर हमारे बॉडी में फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर अगर ज़्यादा हैं, हर जगह हर लोगों को अलग अलग है दिए, तो अगर ज़्यादा हैं तो हमारे शरीर में मसल्स का जो एक्टिविटी होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। अगर हमारे शरीर में ज़्यादा हैं तो हम लॉन्ग टाइम हम बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं, हमारे एक अंदर एबिलिटी आ जाएगी, अगर ये फाइबर है तो बहुत तेज़ी से हम दौड़ पाएंगे। न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स, तो न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स हमारे शरीर से हमारे पैरों में, हमें माइंड तक, अगर अच्छा न्यूरो रिस्पॉन्स है, जैसे नहीं होता है रेसर से जैसे गोली कोई छोड़ता है या कहता गो, तो तुरंत जो सुनते ही रिस्पॉन्स करते ही वहाँ से तुरंत स्टार्ट करते हैं गो, तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिलेगा तो हम जैसे सुनते ही हमारा तुरंत पैर रन कर जाएगा दौड़ने के लिए। तो न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स भी अच्छा होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी तो दौड़ने के लिए अच्छे रेंज तक हमें, हायर द फ्लेक्सिबिलिटी मोर इन द रेंज ऑफ मूवमेंट, हमें बहुत सारे रेंज मूवमेंट करने होते हैं दौड़ते वक्त, तो बहुत सारे एंगल तक हम अपने शरीर को घुमा सकें, फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए। तो ये सब टॉपिक हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी साइकोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या, फ्लेक्सिबिलिटी एबिलिटी टू ज्वाइंट टू मूव्स इन मैक्सिमम रेंज। ज्वाइंट मतलब हमारे जो बोन्स के दो ज्वाइंट्स हैं उनको मैक्सिमम रेंज तक घुमाने को हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। अगर हम अपने जॉइंट्स को मैक्सिमम रेंज तक जितना चाहे उतना हम घुमा दें तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को कहेगी। तो ये कैसे होता है, जॉइंट अट्रैक्शन। तो जॉइंट स्ट्रक्चर और अट्रैक्शन मेन फैक्टर फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें क्या, अगर हमारे जो जॉइंट के स्ट्रक्चर हैं अगर वो प्रॉपर हैं, अगर वो सही से काम करें जॉइंट के स्ट्रक्चर, तो हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी होगा वो अच्छे से काम करेगा। तो हमारे जॉइंट जो है, हमारे जहाँ पे बोन्स ज्वाइन हुए हैं एकदम स्ट्रांग हो, हमारे लिगामेंट्स एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं, वहाँ पे जॉइंट हो एक दूसरे से, तो हमें अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। लिगामेंट इलास्टिसिटी, वही लिगामेंट जो लिगामेंट कनेक्ट टू और मोन बोन्स अराउंड द, जैसे मैंने उसमें कहा हमारे लिगामेंट्स अच्छे से कनेक्ट होने चाहिए। तो ये क्या करते हैं, दो हड्डियों को, दो बोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो अगर वो अच्छे से कनेक्ट हो तो हमें अच्छा एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है जॉइंट में। तो मसल्स स्ट्रेचबिलिटी, हमारे अगर मसल्स जो हमारे मांस हैं वो अच्छे से स्ट्रेचेबल हो, अच्छे से मूव कर सकें, घूम सकें, हार्ड ना हो, एकदम सॉफ्ट हो, तो हमें अच्छा रेंज मिल जाएगा अपने बॉडी को मूव करने का। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में अगर नहीं जानते हो जानिए, हमारे शरीर से रिलेटेड है, हमारे जो काम करने की क्षमता, इंडोरेंस या हार्ट बीट हमारा कितना अच्छे से काम कर रहा है, इन्हीं सब के रिलेटेड है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हमारा जो भी इंटरनल फंक्शंस काम करते हैं ब्लड में या हार्ट में वो कर लाते हैं। तो हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट विथ रेगुलर एक्सरसाइज, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट टेक प्लेस देन इंक्रीज इन स्ट्रोक वैल्यू। हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट में बोलते हैं जो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके जो दिल होते हैं वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं, मतलब इनमें ये कह सकते हैं कि उनका इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, उनका दिल बड़ा हो जाता है, दिल बड़ा मतलब साइज में बड़ा नहीं, उनका उनका ताकत बड़ा हो जाता है, उनका स्ट्रेंथ बड़ा हो जाता है, कि वो उनके दिल बहुत
तेजी तक बहुत तेजी से धड़कते हैं और अच्छे से काम करते हैं, उनका फंक्शनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाता है दिल का। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट जो अगर हाँ, इसमें बना भूल गया कि जब दिल अच्छे से स्ट्रांग हो जाए काम करना चाहें तो जो स्ट्रोक होता है वॉल्यूम जो धड़कने का कैपेसिटी होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो और इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, जैसे कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि 1 मिनट में कितने बार ब्लड हमारा दिल फेंकता है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसमें रेट जब इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारे बॉडी जब ब्लड भी ज़्यादा ज़्यादा हमारे शरीर में दौड़ने लगेंगे तो ऐसे ही सारे फंक्शंस और तेज़ी से काम करने। तो यदि रेस्टिंग पल्स इंक्रीज, तो हमारे रेस्टिंग पल्स इंक्रीज हो जाएंगे। जब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो हमें जल्दी ये करना, हम थोड़ा सा भी अगर कोई काम करके आए तो उसको रेस्ट लेंगे तो फिर थोड़ा सा ही रेस्ट लेने के बाद हम किसी भी काम को फिर कर पाएंगे। फास्टर एडेप्टेशन टू वर्क लोड, हम किसी भी चीज़ को आसानी से कर पाएंगे, किसी भी प्रॉब्लम के क्विकली कर पाएंगे, कोई भी लोड नहीं रहेगा कि हमें ये करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। रिटर्न ऑफ नॉर्मल पल्स क्विकली, अगर हमारे अच्छे से कार्डियक आउटपुट काम कर रहे हैं तो हमारे नॉर्मल पल्स क्विकली रिटर्न हो जाएंगे। मतलब अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम जब थक जाते हैं तो हमारे पल्सेस भी वो बहुत थक जाती हैं, तो अगर हम उन्हें रेस्ट दें तो हमें बहुत लॉन्ग टर्म रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा ही रेस्ट करें तो हमारे जो पल्सेस हैं वो अच्छे से फिर रिकवर हो जाएंगी। तो ये सब बहुत सारे इसमें टॉपिक दिया हुआ, तो अब इसमें से 5 को याद तो करना पड़ेगा ही। अब इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे सांस लेने की कैपेसिटी होती है, सांस लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े का जो प्रोसेस होता है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो इंक्रीज इन टाइडल वैल्यूम विथ, तो ये कहता है विथ रेगुलर एक्सरसाइज द टाइडल वैल्यूम एंड वेसिकल वैल्यू ऑफ लंग इंक्रीज। तो हमारे अगर हमारे जो सांस लेने की ऑक्सीजन इनटेक करने की जो कैपेसिटी होती है वो हमारी बढ़ जाएगी। रेस्पिरेटरी मसल्स बिकम स्ट्रांग, हम जो रेस्पिरेटरी मसल जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, जो वर्क काम करते हैं लंग्स में टिश्यू, वो सारे एकदम मसल्स जो होते हैं एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे क्योंकि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो रही है। एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट, जब हमारा क्या बोलते हैं लंग्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे, सब पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा तो हमारा चेस्ट जो सीना है वो भी एक्सपेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ एलोवेली, ठीक है, थ्रू रेगुलर ट्रेनिंग द नंबर ऑफ एलोवेल्स इंक्रीज विथ प्रिफर मोर ब्लड। तो ये क्या होता है एवोली, सॉरी जो भी है अवोली, हाँ ये क्या है प्यूरीफाइंग ब्लड, ये हमारे जो ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए यूज़ होता है, काम होता है हमारे दिल में को किडनी में होता है ना वहाँ पे, सॉरी वहाँ हाँ हार्ट में, हार्ट हार्ट तो वहाँ पे ये काम करता है, तो हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम करता है। तो वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे जब, क्योंकि सांस के द्वारा होगा ना तो हम ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे ब्लड तक ऑक्सीजन ज़्यादा ज़्यादा तक पहुँचेंगे। मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक एबिलिटी इंक्रीज, तो हमें ज़्यादा ज़्यादा सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक कर पाएंगे जिसकी वजह से इंडोरेंस भी हमारा बढ़ेगा। तो ये सब पल्मोनरी डिफ्यूजन इंक्रीज जैसे उसमें भी था, तो ये सब टॉपिक हैं। अभी नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर स्ट्रेंथ, तो इफेक्ट मस्कुलर स्ट्रेंथ हमारे मसल्स के सिस्टम में, मस्कुलर सिस्टम, हाँ मस्कुलर सिस्टम है सॉरी, तो इसमें क्या इफेक्ट आएगा एक्सरसाइज करने से, तो ताकत बढ़ जाएगी, गेन इन स्ट्रेंथ, तो हमारे मसल्स में बहुत सारी ताकत बढ़ जाएगी, इफिशेंसी इंप्रूव, हम किसी भी चीज़ को लॉन्ग टाइम तक हमारे मसल्स को कोई भारी चीज़ उठा पाएंगे, इफिशेंसी हमारी मसल्स की बढ़ जाएगी। थ्री सोल्ड इनकी द रेगुलर एक्सरसाइज इनकी द एबिलिटी टू मसल टू टॉलरेट मोर लैक्टिक एसिड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, जो टॉलरेट एसिड लैक्टिक एसिड जो होता है हमारे मसल्स में होते हैं, हमें लॉन्ग टर्म में काम करने के लिए मदद करते हैं हमारे ब्लड को, वो भी इंक्रीज हो जाएंगे जैसे पीछे बताया था। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हैं, इंक्रीजिंग एरोबैटिक एंड एनारोबैटिक जो होता है ना, छोटा काम कोई नॉर्मल सा काम करने के लिए, हार्ड काम करने के लिए, वही इंडोरेंस वही बढ़ जाएगा जो एरोबैटिक एंड एनारोबैटिक कहते हैं, ये पिछले चैप्टर में था। प्रॉपर शेप ऑफ बॉडी, मसल्स अगर सिस्टम काम करेंगे तो हमारे मसल्स सही से काम करें तो हमारे बॉडी को एक अच्छा शेप मिल जाएगा, क्योंकि मसल से ही तो बॉडी का शेप बनता है। फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजरी, अगर हमें कोई चोट लगे तो जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाएंगे। तो ये है, इसमें से कोई 5 याद कर लीजिएगा। अभी है साइकोलॉजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल चेंज ड्यू टू एजिंग एंड रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और कोई बंदा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है तो जब उसका एजिंग होगा, जब वो बूढ़ा होगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे। देखिए देखिए इसमें बूढ़ा जैसे होते जा रहा है, इसका मसल्स जो फेस है कैसे होते जा रहा है, तो इसके बारे में ही बताया गया। तो अगर कोई बंदा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसका जैसे जैसे बूढ़ा होगा तो उसमें क्या क्या बदलाव होंगे, और जो नहीं करता है तो उसमें कितनी जल्दी से होंगे, इसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पे एक टेबल में देखिएगा, इस टेबल में ये टेबल आता है 5
लोगों का, 5 लोग, 5 चीज़ों का फिजिकल साइकोलॉजिकल फंक्शन का पूछने के लिए। तो इसमें मसल साइज, मसल साइज, मसल जो हमारे होते हैं चेंज ड्यू टू एज, जैसे हमारा एज बढ़ता जाएगा हमारा मसल्स क्या होते हैं सिकुड़ने लगते हैं, तो डिक्रीज होने लगते हैं। लेकिन हम रेगुलर एक्सरसाइज से हम क्या करते हैं अपने मसल्स को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ। तो हमारे मसल्स में जो ताकत होती हैं, जैसे जैसे बूढ़े होते हैं लोग उनमें ताकत कम होती जाती हैं, लेकिन अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज से हम अपने ताकत को बढ़ा सकते हैं। लेंथ, बॉडी वेट, बॉडी वेट जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा बॉडी रहती है, वो वेट कम होती है, जैसे पतले होने लगते हैं, लेकिन हम रेगुलर एक्सरसाइज से हम अपनी बॉडी वेट कम है तो उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। परसेंट बॉडी फैट, इसमें देखिए उल्टा दिया हुआ, बॉडी फैट जो, लेकिन लेकिन जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं ना उनमें फैट चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, काम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई एक्सरसाइज करने वाला बंदा है तो उसमें फैट, बॉडी फैट तो नाम ही नहीं होगा ही नहीं, डिक्रीज ही हमेशा रहेगा। तो इस टाइप का आप समझ गए होंगे। ओवरऑल हार्ट रेट है, जैसे हार्ट रेट, जैसे लोग बूढ़ा होते हैं तो उनके हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाते हैं, बीपी हमेशा कम रहती है, ब्लड उनका बहुत स्लो रन करता है बॉडी में। लेकिन एक्सरसाइज करने वाले बंदों का, उनका तो हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज करने वालों का इंक्रीज ही रहता है। अब यहाँ देखिए ब्लड प्रेशर, वही बीपी, ब्लड प्रेशर भी लोगों का जैसे बूढ़े होंगे उनका इंक्रीज़ करने लगेगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगेगा। लेकिन अगर रेगुलर एक्सरसाइज करें तो नॉर्मल लेवल पर डिक्रीज़ रहेगा। तो इस टाइप के यहाँ भी दिए हुए हैं, तो कोई 10 याद कर लीजिएगा, इसमें और कुछ खास नहीं है, बस हर एक चीज़ का बस 5-5 आप याद रखिएगा, बस टॉपिक याद रखिएगा, इसमें इतना अंदर तक नहीं पूछेगा। तो बस इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।